से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। मिशन 2022 के तहत यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने बहराइच से संघनाद कर दिया है। आज बहराइच के नानपारा विधानसभा क्षेत्र में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संघनाद करते हुए सपा, भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए ये ऐलान किया है। धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। के दौरे पर गए और उनको इस बात की बड़ी नाराजगी है प्रधानमंत्री को, कि हमको भी नाराजगी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सदर के घर व्हाइट हाउस पर गया तो प्रधानमंत्री जब गाड़ी से उतरे तो वहां पर जो बाइडन नजर नहीं आए, जो बाइडन नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करने नहीं ठहरा था फूल का गुलदस्ता लेकर, बल्कि जो बाइडन अंदर कमरे में बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री को अंदर जाकर जो बाइडन को मिलना पड़ा। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से वापिस जैसा ही उतरे, रात में 8:45 पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को देखने चले गए और जाकर बड़ा तफसीली मायना किया, घूर घूर कर देखा बिल्डिंग कितनी बड़ी बन रही है, क्या काम हो रहा है। वहां पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर काम करने वाले मजदूरों से बात की, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में गरीब आवाम की लाशें पानी पर तीर रही थी, जब उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा था, जब उत्तर प्रदेश में गरीब मर रहा था घुट घुट कर, प्रधानमंत्री नहीं आए देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, झूठ कहते हैं। क्या ये सच नहीं है योगी आदित्यनाथ कि 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है, जो अमित शाह की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, 2019 में 5000 से ज्यादा फिरका परस्त वाकयात पेश आए। बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी सरकार नहीं है? फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश